भैया ऑपरेटिंग लीज ना, दो बातें हैं यहाँ पे। आप जो पेमेंट कर रहे हो वो अलग मैटर है। आप पेमेंट कर रहे हो, जैसे क्या कहता है ये लीज, लीज कहता है एक ये है मकान मालिक, ठीक है ना, और ये जो है एक किराएदार है। अब ये मकान मालिक, जो मकान मालिक है, और दूसरा कौन है, किराएदार। और क्या चल रहा है हमारा, ऑपरेटिंग लीज। ऑपरेटिंग लीज में भैया जो एसेट्स है वो मकान मालिक लिखेगा और किराएदार कुछ नहीं, सिर्फ किराया देगा। लेकिन किराएदार जब पीएनएल बनाएगा तो किराएदार के पीएनएल में आपको जब रेंट दे रहे हो तो रेंट पीएनएल के डेबिट में दिखाना है, दिखाना है इसको। और ये अपने पीएनएल के क्रेडिट में क्या दिखाएगा, यानी इसके लिए खर्चा और इसके लिए, यही कहानी बनेगी, सिंपल सी बात है। AS 19 क्या कहता है भैया, बोलता है कि भैया जो आप पीएनएल के अंदर खर्चा दिखाओगे ना, प्रोपोर्शनेट बेसिस पे दिखाओगे, यानी जितना इनकम हो रहा है उसके बेसिस पे दिखाओगे। सपोज दैट ईयर वन के अंदर, ईयर टू के अंदर, ईयर थ्री के अंदर मकान मालिक ने बोल दिया कि तेरे को रेंट इतना देना है, तेरे को इतने में देना है 5,000, और यहां देना है 6,000, और यहां देना है आपको 4,000 रेंट। लेकिन इसका जो रेंटल, जो फैक्ट्री से कितना इनकम जनरेट हो रहा है, इसने बोला भैया मेरे पहले साल में तो 300 यूनिट बने, फिर मेरे बने 200 यूनिट बने, फिर मेरे बने 500 यूनिट बने। यानी बोल रहा है कि भैया 4,000 किराए दे के मैं ज्यादा यूनिट प्रोड्यूस कर रहा हूं। लॉ ये कहता है कि जितनी इनकम जनरेट कर रहे हो उसी के हिसाब से रेंट को पीएनएल में दिखाओ, और पेमेंट कुछ और जा रहा है। पेमेंट तो इसने क्या कर दिया, पहले साल में पेड कितना कर दिया सर, पहले साल में पेड कर दिया 5,000, दूसरे साल में कितना पेड कर दिया 6,000, तीसरे साल में कितना पेड कर दिया 4,000, तो टोटल कितना पेमेंट कर दिया 15,000 की पेमेंट कर चुका है। लेकिन 15,000 प्रोडक्शन के बेसिस पे देखा जाए तो सर 15,000 में अगर रेशो निकाले 3:2:5, तो इनटू में 3/5, पहले साल में जो इसको फायदा मिला ना इस रेंट से, वो कितना मिला, मात्र 3 का, और पेमेंट कितना कर रहा है 5। फायदा 3 का मिल रहा है, पेमेंट 5 का कह रहा है। तो गवर्नमेंट कहता है पीएनएल में हम तुम्हें नहीं दिखाने देंगे, पीएनएल में तुम 3 ही दिखाओगे। बोल रहा भैया 3 दिखाएंगे, पेमेंट तो 5 गया। बोला बाकी आप उसको रिजर्व में डाल दो, किसमें, जो रिजर्व था इक्वलाइजेशन, जो मैं बता रहा था आपको, कौन सा, लीज इक्वलाइजेशन अकाउंट में। समझ में आ रही बात आपको। अब देखो एंट्री, अब देखना आप कोऑर्डिनेट करना, जो अभी आपने समझा फटाफट समझ में आ जाएगा। पहली एंट्री आपने ड्यू कर दिया, पेमेंट ड्यू कर दिया कि लेसी रेंट अकाउंट डेबिट टू वाई। अब यहां पे वाई को हम पेमेंट देंगे, इसके बाद क्या करा आपने, वाई को पेमेंट दे दिया। कौन कर रहा है, ये लेसी कर रहा है ना, तो लेसी रेंट अकाउंट मेरा खर्चा है, मेरे लिए खर्चा कितना है सर ये है, और किसको देना है पेमेंट, इसको देना है। लो जी पैसा चला गया। लेकिन अब पीएनएल की बारी आया, तो पीएनएल में प्रपोर्शनेटली कितना इनकम बन रहा था उसके से 10, तो पीएनएल में कितना भेजा, और इक्वलाइजेशन में कितना डाल दिया, और रेंट लीज अकाउंट ये पूरे 15 कैंसिल हो गए, यानी 3 एंट्री हो गया। और जिस साल सेम सेम रहा, रेशो भी सेम और वो भी सेम, उस साल 2 ही एंट्री होगा, क्योंकि उस साल पीएनएल में भी क्या चला जाएगा, सारा अमाउंट चला जाएगा। सेकेंड ईयर का देखो, फिर से उसको देना है 20, और बैंक से चला गया 20, खत्म कहानी। और लीज और ये दोनों क्या हो गया, ये तो 0 हो गया इक्वलाइजेशन वाला, पीएनएल में सारा पैसा चला गया। तो मेरे वाले एग्जाम्पल के अंदर अगर देखोगे तो पहले साल में क्या कहूंगा, बोलूंगा भाई रेंट अकाउंट, मैं लेसी वर्ड हटा रहा हूँ, रेंट अकाउंट डेबिट, और किसको पैसा देना है सर, पैसा देना है इसको, मकान मालिक को, तो मकान मालिक को लैंड लोड कर देता हूं मैं। कितना पैसा देना है भैया, इसने मांगे थे 5,000, तो मुझे देने 5,000 है, समझ रहे हो। अब मैं इसको पैसा तो दूंगा, ये थोड़ी बोलेगा तू कितना माल बना रहा है नहीं बना रहा, तो मैं बोलूंगा ले भाई लैंड लोड अपना, तू बैंक से पेमेंट ले ले 5,000। अब बारी आ गई मैं पीएनएल में कितना दिखाऊंगा, तो पीएनएल में दिखाने के लिए मेरे पास राइट सिर्फ कितना बन रहा है 3,000, तो मैं दिखाऊंगा सबसे पहले यहाँ पे पीएनएल कितने 3,000, और लेकिन सर रेंट तो 5 का था, फर्क आ गया, तो यहां पे क्या लिख देंगे, लीज इक्वलाइजेशन अकाउंट। समझ में आई बात आपको, क्लियर है क्या करना नहीं करना। अब हम पीडीएफ देख के फटाफट रीडिंग कर दूं, समझ में आ जाएगा।
तो सर यहाँ पे थोड़ा बस टाइम बचाने के लिए मैं कर रहा हूँ ये काम, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं था। सबसे पहले अब दोबारा क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। चलो एक यही क्वेश्चन था जिसको बताना था। वैसे कहता है एक्स लिमिटेड हैज अ टेकन अ मशीन वाई लिमिटेड, एक्स लिमिटेड किराएदार ये मकान मालिक 3 साल पे ऑपरेटिंग लीज पे ले लिया। भैया किसने ले लिया? एक्स ने ले लिया। और बोलता है कि सर इंस्टॉलमेंट मतलब पहले साल की कमाई 10,000 यूनिट, 20,000 यूनिट और 40,000 यूनिट, लेकिन रेंट 15,000, 20,000 और 35,000। तो पहले क्या करो, उस सारे सारे रेंट को कमाई को पहले जोड़ लो, जितनी सॉरी पहले जितना भी आप रेंट दोगे उसको खर्चा अपना सारा जोड़ लो और उसको आप इनकम के रेशियो में बांट दो, जो कि आपकी कमाई कितनी बनती है सर 70,000। और इसका जो रेशियो बन रहा है, रेशियो क्या बन रहा है 10-2-4। देखो आप 10,000, 20,000 और 40,000, तो 10-2, तो इसको जब आप बांटोगे 10/4 तो एक एक साल में 10,000 इनकम खर्चा होना चाहिए, फिर 20 होना चाहिए और 40। लेकिन सर पहले साल में अगर आप खर्चे की बात करो तो पहले साल में तो ऐसा हुआ ही नहीं ना। पहले साल में तो आप खर्चा कितना, पेमेंट कितना कर रहे हो उसको 15 कर रहे हो, लेकिन आपके हिसाब से तो 10 है, तो बाकी कहाँ चला जाएगा लीज इक्वलाइजेशन अमाउंट में। तो आप देखिए आप यहाँ पे जर्नल एंट्री, पहले साल की जर्नल एंट्री देखिए, समझ में आया? पहला रेंट पैसा दिया, डिफरेंस आया इक्वलाइजेशन। दूसरे साल में रेंट पैसा दिया, पीएनएल में ट्रांसफर। तीसरे साल में रेंट पैसा दिया और यहां पे हुआ क्या था, हमारा कम पड़ रहा था पैसा, तो इक्वलाइजेशन कहाँ चला गया, क्रेडिट में, खत्म कहा, कोई दिक्कत इसमें? ये था किसका सर, जनरल एंट्री लेसी ऑपरेटिंग लीज के केस में, किसमें लेसी। वैसे ऑपरेटिंग लीज का क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, फाइनेंसिंग लीज वाला ही पूछा जाता है, ये तो बस एक्स्ट्रा मान के चलो कर रहे हैं। अब आ जाते हैं रेंटल इनकम की बात करते हैं। अब इधर देखो, ये है मकान मालिक और ये है किराएदार। अब किराएदार क्या एंट्री करेगा वो तो देख लिया, अब हमें मकान मालिक एंट्री क्या करेगा देखना है। जैसे उसे रेंट से पैसे लेना है तो इसके लिए डेटर बन जाएगा ये, तो ये कहेगा भैया डेटर से पैसा लेना है और किसके लेने हैं, रेंट के पैसे लेने हैं, यानी नाम एक्स से मेरे को रेंट का पैसा लेना है। उसके बाद कहेगा भैया बैंक में पैसा आ गया और किससे पैसा आ गया, डेटर से आ गया, यही कहानी कहेगा ये। तो देखो पहला एंट्री क्या कहता है, ऑपरेटिंग लीज रिसीवेबल मतलब पैसे लेने हैं डेटर और किसके लेने हैं, रेंटल इनकम। मैं भी जर्नल एंट्री में भी दिखा दूंगा। फिर बैंक में पैसा आ गया, इससे बात खत्म। और डेप्रिसिएशन कौन लगाएगा, मकान मालिक लगाएगा इसमें, तो मकान मालिक डेप्रिसिएशन चार्ज कर देगा, डेप्रिसिएशन टू पी एंड एल, तीन ही एंट्री होनी है इसमें। और लास्ट में साल के इस डेप्रिसिएशन और इनकम को सभी को पी एंड एल में ट्रांसफर करेगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या कहता है सर क्वेश्चन में। क्वेश्चन में कहता है आउटपुट ऑफ द मशीन, कहता है 5 सालों का मशीन ये, दूसरे साल का ये, तीसरे सॉरी एस्टिमेटेड 5,000 यूनिट ईयर वन, ईयर टू और ये ईयर थ्री और ये ईयर फोर और ईयर फाइव, 5 सालों का आपका बता दिया कितना होगा। पहले साल में कितना यूनिट, दूसरे साल में, तीसरे में, चौथे में और पांचवे में। द गिविंग फॉलोइंग, 3 साल के लिए काम काज चलना है अभी फिलहाल के लिए। अब इक्वल अमाउंट लीज 25% ऑफ प्रॉफिट मार्जिन कॉस्ट 4 लाख, ये कहता है कि भैया जो मैं लीज के रखूंगा ना वो 25% जितना भी है उस पर प्रॉफिट रखूंगा। डेप्रिसिएशन चार्ज ऑन द आउटपुट बेसिस, डेप्रिसिएशन चार्ज होगा इस बेसिस पे, मतलब अगर आपका एसेट्स 1 लाख का है और 5 साल चलना है तो इसको रेशियो में बांट दो एसेट्स को, क्योंकि लाइफ अगर 5 साल है तो 5 साल बाद 0 हो जाना है, तो इन्हीं 5 सालों में तो बटेगा। लेकिन अब एसएलएम होता तो 10%, 15%, डब्ल्यूडीबी होता तो उसके हिसाब से, यहाँ पे देखा जाए ना एसएलएम ना डब्ल्यूडीबी, तो उस हिसाब से रेशियो में बांट दोगे 5 या फिर 50, 15, 20 और 8 और 2 में, ठीक है। तो यहाँ पे देखो क्या कहता है, कैलकुलेट अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन फॉर 3 ईयर पूछा जो गया है, कंप्यूट एनुअल इनकम ऑफ आपका लीज रेंट का कितना इनकम होगा, गिव जर्नल एंट्री ऑफ जेड लिमिटेड में, जेड कौन है सर, जेड कहां से आ गया, अच्छा लीज बाय
जेड, तो जेड के बुक्स में यानी लेसर के बुक में। तो पहले देखिए, कहता है सबसे पहले डेप्रिसिएशन, कॉस्ट ऑफ मशीन इतने का था और मैंने बोला था कि भैया 5 किस्तों में जाएगा, तो 5 किस्तों का आउटपुट जो मैंने लिखा था, क्या क्या था आउटपुट अगर आपको याद हो, तो उसको पहले मैंने उसमें बांट दिया। डेप्रिसिएशन देख लो पहले, पहले साल का क्या था, देखो मेरे पास तो ऊपर नीचे हो रहा है थोड़ा, ये आप बताना, 15, 5, 15 और 20 है ना, बताना 5, 15, 20 और 1, 8, 2, टोटल कितने हो गए, 50,000 को इन सभी में बांटना है हमें। कितने हमारा एसेट्स कितने का है, तो 4 लाख ही बटेगा सब में। 3 सालों के लिए बांटना है तो बस 3 साल का ले लो, पहले का 5, 15 और 20, आगे का पूछा ही नहीं तो ये दोनों लेंगे नहीं। अगले का अगर मैं डेप्रिसिएशन पूछ लेता तो इसी से बढ़ जाता, ये हो गया पहले साल, दूसरे साल, तीसरे साल का डेप, कोई दिक्कत। डेप समझ में आ गया, डेप की एंट्री क्या होगी, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स अकाउंट, और उसके बाद P&L में भेज दोगे आप उसको। अगला कहता है टोटल लीज रेंट कितना होगा बताओ, तो भैया मैं 25% मार्जिन रखूंगा तो मेरे हिसाब से कितना होगा, 5 लाख होगा ना। मैंने बोला मैं रेंट इतना लूंगा कि मैं प्रॉफिट कमाऊं 25% एसेट्स पे, 5 साल में एसेट जीरो हो गया तो फायदा नहीं है ना, इसका मतलब मैं उससे 5 लाख रुपए वसूलूंगा। और 5 लाख वसूलने की बात अगर देखी जाए तो यहाँ पे देखो टोटल 3 साल की जो पूरी हमारी यूनिट है वो कितनी है, और रेंटल इनकम देख लो वहां पे क्या कह रहा है, आप रेंटल इनकम को टोटल करो नहीं तो फिर मिट जाएगा ये, तो बुक में देखो रेंटल इनकम कितना है बता रखा है, टोटल करो उसको। ये 50 याद रखना, मैं ही दिखा देता हूं यहां, रेंटल इनकम नहीं दिया, बस बोला इसने 25% बढ़ा के देगा। तो कहता है भैया आउटपुट ड्यूरिंग द लीज पीरियड, कितना आउटपुट होगा लीज पीरियड में, चलिए मैं बता ही देता हूं। पहले साल 15, 15 था ना, दूसरे साल 5 था, दूसरे साल, तीसरे साल, चौथे साल 8 और कितने। तो अब हमें अपना डेप्रिसिएशन तो बांट लिया, अब इसी के हिसाब से हमें लीज रेंट भी निकालना है। तो भैया मेरा जो है ना इस 5 साल में, इस 5 साल में मेरा 5 लाख रुपए रिकवरी करना है, तभी तो मैं प्रॉफिट पे जाऊंगा। मैंने एसेट्स कितने का खरीदा, 4 लाख का, आपको दे दूं, ले भाई तू यूज कर ले, मालिक मैं हूं, ऑपरेटिंग लीज है, आपने उस एसेट्स को पूरा यूज करके खत्म कर दिया, और मैं आपसे 1-1 लाख करके 4 लाख 4 साल में रिकवर कर लूं, मेरा क्या फायदा हुआ, कुछ भी नहीं फायदा हुआ। तो मैंने बोला कि मैं आपसे रिकवर कितना करूंगा, 5 लाख, 25% प्रॉफिट। अब 5 लाख में हर साल कितना कितना होगा वो भी तो डिसाइड करना होगा, तो वो आउटपुट बेसिस पे होगा। तो इसका मतलब सर सिंपल सी बात है, अगर 25% आप कमाओगे तो आप 4 लाख पे 25% जोड़ो तो आपका जो एसेट्स का वैल्यू होगा जो रिकवरी करोगे 5 लाख, और टोटल कितने आपका आउटपुट है 50,000, और 3 साल का आउटपुट आप काउंट कर लो। आप तो इसका रेंट निकालना चाहते हो तो इसका रेंट कितना है, तो 40,000 से आपने डिवाइड कर दिया, तो यानी आपको 4 लाख रुपए 3 साल में रिकवरी करनी है। अगर 4 लाख रुपए आपको 3 साल में रिकवरी करनी है तो 1 साल में इतने का रिकवरी करना है, दैट इज आपका रेंट इतना लेना पड़ेगा। हाँ, बाकी 2 साल में कितना लोगे, फिर से 1 लाख बाकी के 2 साल में बच जाएगा लेने के लिए, उसको 2 से डिवाइड कर देंगे, 50-50 बाकी ले लेंगे बाद में। समझ में आई बात आपको, ये क्या हो गया रेंटल इनकम मेरी इनकम है, और ये ऊपर वाला क्या हो गया डेप्रिसिएशन मेरा खर्चा है। ठीक है, चलो आगे देखिए, जनरल एंट्री मशीन ऑपरेटिंग लीज टू परचेज, ये क्या एंट्री हो गया सर। अब देखो मैंने सबसे पहले एसेट्स खरीदा, एसेट्स मेरे लिए डेबिट हो गया, अब परचेज मैंने उधार पे अगर खरीदा है तो टू परचेज, नगद में खरीदा है तो बैंक, मेरे पास से पेमेंट चले गया, कौन कर रहा है, लेसर कर रहा है जो मकान मालिक है। इसके बाद क्या करा उसने, लेसी टू रेंट रिसीव, मतलब मैं डेटर बना रहा हूं उससे रेंट मिलेगा, उसने मेरे बैंक में पैसे डाल दिए, बात खत्म। समझ में आई बात आपको, 1 साल की बस, फिर अगले साल इनकम इनकम की एंट्री करेगा वो,
इसके बाद आगे चले अगर हम, तो क्या कहता आगे, फिर से हमने क्या करा, रेंट प्रॉफिट एंड लॉस में 50,000 रुपये क्या था, डेप्रिसिएशन याद करो, और आपका यहाँ पे सॉरी 50,000 रुपये आपका क्या बन रहा था, जो उसके अकॉर्डिंगली था, बाकी लीज इक्वलाइजेशन अमाउंट में डाल दिया। ये एंट्री आप ना भी करो तो चलेगा, एग्जाम में दो एंट्री कर दो इनफ है। अगला फिर से डेप्रिसिएशन कर दिया उसने कितने, 40,000। आगे प्रॉफिट एंड लॉस में ये हो गया, बात खत्म, प्रॉफिट एंड लॉस में टोटल डेप्रिसिएशन भेज दिया। तो ये हमारा था लास्ट क्वेश्चन जो ऑपरेटिंग लीज, और मैं अगेन कहूंगा कि ऑपरेटिंग लीज के सवाल एग्जाम में नहीं पूछे जाएंगे। आपके जो क्वेश्चंस आएंगे ना वो आएंगे सिर्फ फाइनेंसिंग लीज के, जो लास्ट क्लास में करा था एमपीएल वाला, याद है ना। एक बार फटाफट से मैं बता दूं, थ्योरी मैंने ऑलरेडी डाल दिया है, थ्योरी का पार्ट क्या है, अजम्पशन और प्रिंसिपल, ऑलरेडी फोल्डर में जाओ वहां मिल जाएगा आपको, अजम्पशन प्रिंसिपल AS9 भी हो गया। अब क्या क्या चीजें करने बता, क्लियरिटी कर दूं मैं बच्चों को, देखो।